नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैरेबियन प्रीमियर लीग के पांचवें मुकाबले के बारे में, जिसमें सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स का सामना सेंट लुसिया किंग्स से होगा। ये मैच सेंट किट्स के वार्नर पार्क में खेला जाएगा। इस वीडियो में पावर प्ले स्कोर, टॉस विनर, फर्स्ट इनिंग्स का क्या स्कोर रहेगा, आज के मैच में कौन बाजी मारेगा, ये सारी जानकारी दी जा रही है। सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स पिछले मैच में गेंदबाजी का प्रदर्शन खराब रहा था। सेंट लुसिया किंग्स इस सीजन नए खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे, जिसमें फाफ डू प्लेसिस भी शामिल हैं। उन्होंने ऑलराउंडर डेविड वाइज को भी शामिल किया है। अब हम भारत के नंबर वन क्रिकेट मैच टिप्पर द्वारा बताए गए आज के मेगा जैकपॉट क्रिकेट मैच की भविष्यवाणी पर आते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा। पेट्रियट्स के पास एनरिक नॉर्टजे, काइल मायर्स, डोमिनिक ड्रेक्स और तबरेज शमसी जैसे गेंदबाज हैं। इविन लुईस और कप्तान आंद्रे फ्लेचर की ओपनिंग जोड़ी काफी अच्छी है। काइल मायर्स भी ओपनिंग विकल्प हो सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में मिकाइल लुईस ने पिछले मैच में शानदार अर्धशतक बनाया था। निचले क्रम में भी ट्रिस्टन स्टब्स, शेरफेन रूथफोर्ड और ऑडियन स्मिथ जैसे कई होनहार बल्लेबाज हैं। अगर टॉस की बात करें तो आज के मैच में सिक्का किसके पक्ष में गिरेगा? हमारी 100% मैच भविष्यवाणी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रिडिक्शन, टॉस सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स टॉस जीतेगी। टॉस की कोई रिपोर्ट या विश्लेषण नहीं होता है, बस एक अनुमान है। लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम बताएं। मैच रिपोर्ट इज सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स, यह मैच जीतेगी। सेंट लुसिया किंग्स पिछले साल एलिमिनेटर मैच में बाहर हो गए थे। फाफ डू प्लेसिस का अनुभव बल्लेबाजी लाइनअप और टीम के कप्तान के रूप में महत्वपूर्ण होगा। सेंट लुसिया किंग्स के लिए जॉनसन चार्ल्स और भानुका राजपक्षे कुछ प्रमुख बड़े हिटर हैं। उन्होंने रोस्टन चेस को बरकरार रखा है और गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के लिए डेविड वाइज को शामिल किया है। विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स और भानुका राजपक्षे के साथ अनुभवी किवी टिम सीफर्ट भी हैं। अगर सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती है, पहली पारी में 6 ओवर के पावर प्ले में वार्नर पार्क, बैसेटेयर, सेंट किट्स मैदान की पिच और पूर्व के मैचों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर 45 से 53 के बीच स्कोर कर सकती है। दूसरी ओर 20 ओवर की पहली पारी में लंबी पारी में स्कोर 162 से 185 के बीच हो सकता है। लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम जरूर बताएं। बल्लेबाजी के अनुकूल पिच होने की संभावना है। पिछले 10 मैचों में वार्नर पार्क पर पहली पारी का औसत स्कोर 155 रन रहा है, लेकिन हाल के मैचों में यहां कुछ बड़े स्कोर देखने को मिले हैं। बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिलेगी और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 170 या उससे अधिक रनों का लक्ष्य रखना चाहिए। दोस्तों, हमारी लगातार टॉस प्रेडिक्शन, मैच भविष्यवाणी, पावर प्ले स्कोर, रन, पहली पारी में कितने रन बनेंगे, बैक टू बैक पास होती जा रही है। हमारी मैच भविष्यवाणी जानने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है। वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।